नमस्कार। चलिए आपकी फॉर्म का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी फॉर्म बताती है? सबसे पहले आपकी हथेली की कलर, उसके बाद हथेली की शेप। आपकी हथेली की कलर पिंक है, पिछले कुछ पिक में मैंने देखा है पिंक है, तो बहुत अच्छे धन को अट्रैक्ट करने वाली हथेली और अच्छे स्वास्थ्य को बताती है। दूसरी हथेली की आपकी शेप स्क्वायरी शेप की है। देखिए, जब भी हथेली आपकी स्क्वायरी शेप की हो जाती है, बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं ऐसे जातक। मेहनत करने से कभी नहीं घबराते हैं और हमेशा मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी साइन होती है। और बहुत ही ईमानदार सच बोलने वाले होते हैं, ईमानदार होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, न्याय के खिलाफ लड़ने वाले होते हैं, समाज को कुछ दे पाते हैं ऐसे जाते। दूसरी चीज आपकी हथेली अग्नि तत्व की हथेली है, फायर एलिमेंट की हथेली। जब भी हथेली आपकी अग्नि तत्व की हो जाती है, क्योंकि आपकी जो है ना हथेली वर्गाकार है और ये फिंगर लेंथ में बड़ी है, यहाँ पे इस तरह से आप देखेंगे मेजर करेंगे तो ये बड़ी होगी, तो इसका मतलब हो गया आप एलिमेंट के तौर पे आप अग्नि तत्व के हथेली है। तो ऐसे जातक डायनामिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, और ऐसे जातक को लाइफ में हर वो चीज अचीव कर लेते हैं जो ये चाहते हैं। अक्सर ऐसी हथेली डिफेंस के लोगों की हथेली में होती है। रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है इन लोगों में और बहुत अच्छी होती है, और रिस्क में इन्हें सफलता भी मिलती है। टू द पॉइंट बात करने वाले ऐसे जातक होते हैं। उसके बाद अगर फिंगर की एनालिसिस करें, तो सबसे पहले आपकी गुरु की फिंगर और उसके बाद सूर्य की फिंगर। देखिए, गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर है, ठीक है, हल्की सी बड़ी है, तो आप में महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है। लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं आप, बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। लेकिन सूर्य भी अच्छा है, तो स्वाभिमान के साथ चाहिए, इज्जत के साथ चाहिए, मान प्रतिष्ठा के साथ चाहिए, तो दोनों चीज में बैलेंस है आपको। अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी रहती है। ऐसे जातक को संतान का सुख, परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलता है। सबसे बड़ी चीज, गुरुओं का सुख मिलता है इन्हें, गुरुओं का हमेशा अपर पोस्ट का हमेशा लाइफ में सहायता मिलती है, ईश्वरीय कृपा इन पे रहती है। दूसरा, शनि की फिंगर। देखिए, शनि की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। गुरु आपको ज्ञान देता है तो शनि आपको बुद्धिमत्ता देती है, आप में बहुत अच्छी अनुशासन होगी, बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता होगी, कार्यों के प्रति कभी भी डरते नहीं होंगे, मतलब आलस नाम की चीज नहीं होती है आप लोगों में। और यहाँ पे ये जो है ना, ये पोड़वा आपका बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप में मिस्ट्रिक साइंस, जितने भी गुप्त विद्याओं में बहुत ज्यादा रुझान होना, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हस्त विज्ञान, इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा रुझान होता है ऐसे जातक को, जिनका भी यहाँ पे ये उंगली इतना बड़ा हो जाए, धार्मिक होते हैं। तो शनि भी आपका अच्छा है, लेकिन क्या है, सूर्य, सूर्य की फिंगर बहुत अच्छी है, तो मान प्रतिष्ठा अच्छा मिलेगा, यश कीर्ति सब कुछ अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट से किसी ना किसी प्रकार से सहायता मिलती है। उसके बाद देखिए आपकी ये फिंगर, बुध की फिंगर ना थोड़ी सी इधर मूव की हुई है, तो इसका मतलब क्या है, आप में कलात्मक ज्ञान भी है, हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, दूसरी चीज आप कलात्मक तरीके से भी सोचते हैं, तो कला और विज्ञान का मिश्रण होता है ऐसे जातक में, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अंगूठा भी काफी अच्छा है आपका। देखिए, अंगूठा बहुत स्ट्रेट है, बहुत जिद्दी स्वभाव के, जो चाहा वही किया। पहला पोरवा नुकीला है, तो कार्यों के प्रति जिद, पहला पोरवा और दूसरा पोरवा बिल्कुल बराबर है, तो जो चीज सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके रहते हैं और तर्क वितर्क के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोण भी आपका 90 डिग्री लगभग बन रहा है, तो अपना जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, जल्दी बदलते नहीं होंगे। उसके बाद देखिए आपकी सारी फिंगर की रेखाएं इस तरह से है, तो ये आपको रिश्तेदार के साथ बनती नहीं है, या फिर रिश्तेदार किसी ना किसी रूप से आपसे जलन होता होगा, या फिर किसी ना किसी दुश्मनों की कमी नहीं होती है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आपको दुश्मनों की कमी नहीं होगी लाइफ में, बहुत ज्यादा दुश्मन रहते हैं। अब आइए आपकी माउंट। देखिए, सबसे पहले आपके गुरु की माउंट, तो गुरु की माउंट उभार अच्छी है, तो अच्छे दाम्पत्य सुख रहता है ऐसे जातक को, फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिलता है, बच्चों का अच्छा सपोर्ट मिलता है, ठीक है, गुरुओं का सहायता मिलता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी नॉलेज, शिक्षा का मतलब ये नहीं कि डिग्री, नॉलेज अच्छी होती है, ठीक। उसके बाद इस पे रेखाएं अगर चिन्ह की बात करें, तो देखिए एक इस तरह से बन रही है, ये फिश की साइन है, ये ज्ञान द्वारा धन की अर्निंग को बताता है, ये भी आपको बहुत अच्छे धन देता है। क्या देखिए, ये लाइन आपको दया भावना देता है, फिर यहाँ पे एक आपको फ्लावर का साइन है, माँ लक्ष्मी का कृपा होता है, ठीक है, ऐसे जातक पे जिनका भी इस तरह से एक कमल के फूल टाइप का साइन है, तो माँ लक्ष्मी का बहुत ज्यादा कृपा इनके ऊपर होता है, क्योंकि ये आपको विष्णु का स्थान है ना, गुरुदेव का स्थान है, वहां पे माँ लक्ष्मी का कृपा होना तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी कार्य शुरू करते हैं,
आपके पास पैसा नहीं भी होता होगा तो वो कहीं ना कहीं पैसे आ ही जाते होंगे, मैनेज हो ही जाते हैं। उसके बाद एक सुंदर सा यहाँ पे भी एक कमल के फूल का निशान है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी माँ लक्ष्मी का कृपा ही बताता है। दूसरी चीज, आपके जीवन रेखा से एक लाइन आपके गुरु माउंट पे जा रही है, तो ये आपको लाइफ में लगातार तरक्की को बताता है। आज आप जो भी हैं अपने दम पे, अपने मेहनत से अपने बदौलत हैं, ठीक है, इस चीज को बताता है। उसके बाद गुरु अच्छा है। अब आइए शनि, देखिए शनि पे ये जो है ना, ये आपको पैसे को सिंह, आपके पास कुछ नहीं भी हो बट पैसा सेविंग जरूर रहता है, बैंक बैलेंस जरूर होता है इनके पास में। मतलब कितना भी ये लोग खर्चीले हो, कुछ ना कुछ पैसा सेव हर महीना कर ही लेते हैं, इस चीज को बताता है। उसके बाद कार्यों के प्रति कोई इस तरह से नहीं है कि आलस नाम का चीज नहीं होता, एक्टिव होते हैं, हार्ड वर्कर तो होते ही होते हैं। प्लस देखिए ये लाइन है, इस तरह से जा रही है, तो ये तो आपको एक तरह से धन देता है, और ये धन का पता किसी को होता भी नहीं है, तो शनि भी अच्छा है। अब आइए सूर्य, देखिए सूर्य पे ये लाइन, ये आपको यश मान सम्मान नेम फेम देता है, ठीक है, यश कीर्ति देता है, आपका नाम बहुत अच्छा ऊपर तक ले जाता है, यश का साइन है ये, और इसी से बन के इस तरह से फिश का भी साइन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना, इतने बड़ी हो तो ये बहुत अच्छा धन देता है। ऐसे जाते का मल्टी सिटी बिजनेस होते हैं, बहुत सारे शहरों में बिजनेस होते हैं, देश विदेश में भी बिजनेस ये लोग करते हैं। और नीचे आ जाइए तो नीचे देखिए इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है, देखिए इस प्रकार से ट्राइंगल बन रहा है, प्लस त्रिशूल का साइन का निर्माण हो रहा है। यदि सूर्य पर्वत पर त्रिशूल हो तो ऐसे जातक आध्यात्मिक होते हैं, अध्यात्म में बहुत अच्छा पैसा भी अर्निंग करते हैं, और बहुत ही माइंड के शार्प होते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी योजना बनाने में ये लोग मास्टर माइंड होते हैं, तो बहुत अच्छा इन लोगों के शार्प दिमाग होता है, इन लोगों के पास में ये बहुत अच्छा चीज होता है। और ट्राइंगल है तो हमेशा शिव जी और माँ दुर्गा का कृपा इनके ऊपर रहता है। उसके बाद बुध माउंट देखिए, बुध माउंट पे भी इस तरह से मल्टीपल लाइनें हैं, तो देखिए मल्टीपल लाइन होने का मतलब, तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत ही अच्छा इन बिजनेस सेंस होता है, मीठा बोलने वाले होते हैं ये लोग, और बहुत ही ज्यादा एक कन्विंसिंग स्किल अच्छा होता है, और लोगों की हीलिंग क्वालिटी भी, लोगों के दुख भी दूर करते हैं। और एक चीज हाँ आपको मैं बता रही हूँ, इस तरह से गिडल और वीनस टाइप की आकृति बन रही है आपको, इस तरह से आप देखेंगे तो ये मूड स्विंग को बताता है। लग्जरियस लाइफ के प्रति झुकाव तो होता ही होता है, प्लस मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, अभी कुछ मन किया, कभी कुछ मन किया, तुरंत में मूड चेंज हो जाना, इस चीज को बताता है। अब देखिए बाहरी मंगल आपका अच्छा है, किसी के साथ एनर्जी के साथ मिलना, एनर्जेटिक रहना, मेंटली स्ट्रांग रहना, इस चीज को बताता है। लेकिन अंदरूनी मंगल पे प्रॉब्लम है थोड़ा, अंदरूनी मंगल पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम भी है अच्छाई भी है। देखिए पहले अच्छाई देख लीजिए, देखिए इस तरह से बर का साइन है, तो ये आपको मल्टीपल घर का सुख देगा, ठीक है। दूसरा साइन अगर देखें तो इस तरह से पतंग का साइन है, बहुत क्लियर कट बन रहा है, ठीक है। इस तरह से अगर पतंग का साइन आपके दिव्य रेखा से बने तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे जातक परचम लहराते हैं। बहुत ही ज्यादा नेम फेम होना, पतंग का मतलब ही होता है फतेह पाना, उसमें भी मंगल होता है, ये ध्वजा का साइन आपके मंगल पर्वत है, तो हनुमान जी का कृपा होना और उससे बहुत ज्यादा नेम फेम होना, ठीक है, इस चीज को बताता है। और यहाँ पे एक आपको फिश का भी साइन का निर्माण हो रहा है, तो आपके अंदरूनी मंगल पे बहुत अच्छे अच्छे साइन है, इस तरह से त्रिशूल का भी साइन है, तो त्रिशूल का साइन आपके अंदरूनी मंगल पे होने का मतलब है कि माँ दुर्गा शिव जी का कृपा होना, यानी कि जमीन जायदाद इन सभी चीजों की कमी ऐसे जातक को होती ही नहीं है, बहुत ही, एक तो आपका अग्नि तत्व की हथेली है, प्लस रिस्क लेते हैं लाइफ में तो सफल भी होंगे आप बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब साइन आपको सफल ही बनाता है। लेकिन क्या है ना, क्रॉस है थोड़ा सा, तो क्रॉस है तो थोड़ा अपने लोगों से आपको बच के रहना है, खास करके भाई, छोटे भाई से आपको थोड़ा बच के रहना है, किस तरह का नुकसान ना पहुंचाए। अब आइए आपकी चंद्र माउंट, तो चंद्र माउंट आपका अच्छा है, एकदम क्लियर है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पीसफुल एक तरह से सोचना, शांति प्रिय होना, माँ का सहयोग मिलना, वाइफ का अच्छा सपोर्ट मिलना, इस चीज को दिखाता है। लाइफ में एक बार आप बहुत लंबी दूरी का भी यात्रा करेंगे, ज्यादा यात्रा तो नहीं, छोटी मोटी यात्रा आपकी होगी लाइफ में, ज्यादा तो नहीं दिख रही है, बट एक बार जरूर लंबी यात्रा करेंगे, हो सकता है विदेश यात्रा या फिर देश में भी दूर लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को दिखाता है। उसके बाद देखिए आपके केतु माउंट पे इस तरह से फिश का साइन का निर्माण हो रहा है, देखिए केतु माउंट पे फिश का साइन का निर्माण होने का मतलब है, देखिए पहली बात तो केतु माउंट सडन देता है, केतु अगर आपका अच्छा हो तो गुरु का ज्ञान और मंगल का बल आपके अंदर है, ठीक है, और सडन धन लाभ, एकाएक धन लाभ, जो संपत्ति आपको लगा कि अभी नहीं होने वाला है, वो बुड़ गया संपत्ति, नहीं आने वाला है, वो संपत्ति का लाभ होना बताता है। उसके बाद शुक्र माउंट अच्छा है, ज्यादा चिंता आप नहीं करते हैं, जिन चिंता रेखा बस एक दो है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है आपका शुक्र माउंट, तो आप भी बहुत अच्छे हैं, आपका लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है, ऐसे ज्यादा रोमांटिक भी होते हैं, बहुत अच्छा, वाइफ भी बहुत अच्छी होती है, सपोर्टिंग होती है, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रखाती रही होगी, तो इस चीज को बताता है।
और देखिए सबसे बड़ी बात, ये रेखाएं दिव्य रेखा, 1, 2, 3, 4। देखिए अगर किसी भी जातक के हथेली में इतने सारे मंगल, मैं तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ, कंफर्म है कि आपका मंगल काफी अच्छा है, तो भूमि संबंधी कोई भी कार्य आपको बहुत सफलता मिलेगा, प्लस ईश्वरीय कृपा होता है ऐसे जातक, बहुत ज्यादा ईश्वरीय कृपा होता है। और हमेशा देखिए इनके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती है, लेकिन ये लाइन उस मुसीबत से सेव करता है हमेशा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा है, डायरेक्ट ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर, और जगह जगह आपको त्रिशूल का साइन बन रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ एक चीज और है, आपके जो अंगूठा पे बुद्धा आइज भी बनी हुई है, तो ऐसे जातक का सिक्स सेंस, छठी ज्ञान इंद्रियां काफी एक्टिव होती है, बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं किसी भी जातक के बारे में, और ऐसे जातक बहुत अच्छा धन के सेविंग, करोड़पति वगैरह तो बनना आम बात है इनके लिए। चलिए ये हो गई। अब राहु, देखिए राहु गड्ढा है, राहु गड्ढा अच्छा होता है, बट क्या है ना, यहाँ पे इस तरह से क्रॉस का भी निशान है, तो देखिए यहाँ भी क्रॉस का निशान है, उसके बाद ये राहु रेखा, देखिए इतनी बड़ी राहु रेखा आपको काट रखी है, तो ये एज हो गया आपको 35 के अराउंड, लाइफ में बहुत बड़ा आपके साथ कुछ अनहोनी हुआ होगा, जो कि आपके शरीर को भी प्रॉब्लम किया, आपके धन को भी प्रॉब्लम किया, आपको मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम किया, आपके हार्ट के रूप से भी एक तरह थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जरूर किया होगा, इस चीज को भी बताता है। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब रेखा की वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन, जो कि आपके इमोशंस को बताता है, आपके भावना को बताता है, देखिए बिल्कुल गुरु माउंट से है, तो सबसे पहली बात तो ये लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, आदर्शवादी बहुत ज्यादा होते हैं, और ईमानदार होते हैं, और सच्चे होते हैं। तो आपकी जो, देखिए यहाँ तक तो ठीक है आपकी हार्ट लाइन, ये हो गई आपकी 35 तक, 35 के बाद आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक नहीं है, लास्ट में गौ पूछ का है, तो ऐसे ज्यादा थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर के भी होते हैं, जैसे गम आया फिर थोड़ा देर गम मना लिया फिर खुश हो गए, और परिवार के बारे में बहुत सोचे, माँ बाप का भी आप सेवा किए होंगे जरूर। उसके बाद देखिए ये जो है ना, यहाँ पे ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है, यहाँ पे एकदम रेखा अच्छी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं हार्ट संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहता होगा। उसके बाद आप देखिए मस्तिष्क रेखा, तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऐसे चली है और यहाँ तक आई है, ये एज हो गया आपको 45 से लेके 56 तक, 45 से लेके 56 तक बिल्कुल दिमाग से आप बहुत परेशान रहते होंगे, बहुत ज्यादा परेशानी को दिखा रहा है। उसके बाद फिर 56 के बाद आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, तो उसके बाद फिर ठीक रहेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं है, टू दी पॉइंट बात करने वाले, और एकदम थोड़ा बहुत काल्पनिक भी हैं बट ठीक है आपका, ठीक है। उसके बाद आइए आपकी जीवन रेखा, देखिए जीवन रेखा बिल्कुल अंदरूनी मंगल से निकला है, देखिए जब भी जीवन रेखा आपकी अंदरूनी मंगल से निकले, तो ऐसे जातक को कोई भी कार्य जल्दी करना होता है, एकदम क्विक करना होता है, इस चीज को बताता है। उसके बाद देखिए बिल्कुल यहाँ तक आई है, 45 साल तक आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, उसके बाद आपकी कहीं कोई नहीं, शारीरिक रूप से बहुत अच्छे रहे होंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्यादा आप रुझान रखने लगे होंगे, और अध्यात्म से आपको पैसे की अर्निंग को भी बताता है, तो ये बहुत अच्छा हाथ है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है लाइफ में। उसके बाद क्या है, ऑफ सूट इतने सारे निकले हुए हैं, तो ये आपको लगातार तरक्की को दे बताता है, 35 से पहले आप अच्छी तरक्की किए होंगे, लेकिन 40 के अराउंड आपको बहुत बड़ा लॉसेज का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें कि आपको शारीरिक रूप से भी परेशानी बहुत ज्यादा आई होगी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से एक ऑफ सूट निकला हुआ है, जो कि आपको 56 के अराउंड है, तो उस टाइम आपने अपना बिजनेस कुछ अलग बिजनेस किया होगा, बट उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला होगा, उसके बाद फिर आपने किया, उसके बाद देखिए सारे रेखाएं इस तरह से गई हैं, काम तो बहुत करते हैं, तो जितना काम करते हैं उतना ही सफलता मिलती है, भाग्य का साथ उतना अच्छा आपको नहीं मिलता है, ये मतलब जितना कार्य करें उतना ही आपको सफलता मिलती होगी, ज्यादा नहीं मिलती होगी। हाँ यहाँ पे एक मिस्ट्रिक्स एक्स भी है, देखिए ये एक्स रहस्यमयी एक्स बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि गुप्त विद्याओं में ये लोग बहुत बड़ा पारंगत होते हैं, बहुत अच्छा इनको रुझान होता है, और बहुत अच्छा सक्सेस आपका सबसे बड़ा होगा, छठी ज्ञान इंद्रियां काफी एक्टिव होती है, ऐसे जातक अनुमान मात्र से बहुत कुछ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक फिश का साइन है, जो कि मल्टीपल बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का योग बना रहा है। उसके बाद देखिए, देखिए इस तरह से यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये रेखाएं गई हैं, और इधर से ये मनी ट्राइंगल भी बना रही है, तो पैसे की सेविंग में थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। उसके देखिए इस तरह से मंदिर का साइन का निर्माण हो रहा है आपके राहु माउंट पे, भले इसी रेखा से हो रही है बट हो रही है, पर्वत पे मंदिर का साइन होने का मतलब है, देखिए मंदिर का साइन का मतलब देश विदेश से लाभ को बताता है, देश विदेश से होने वाले लाभ को बताता है,
और आध्यात्मिक तरीके से लाभ को बताता है। ये मंदिर कभी कभी आपको ईगो का प्रॉब्लम भी देता है। उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है। देखिए इस तरह से चंद्र माउंट और राहु माउंट के बीच में स्क्वायर का साइन हो तो आपके मान प्रतिष्ठा में बहुत आँच आती है, बट कहीं ना कहीं ये साइन आपको उससे बहुत ज्यादा आपको सेफ करता है, बचाता है। उसके बाद देखिए मस्तिष्क रेखा से इस तरह से रेखाएं उठती हुई तो अच्छी मानी गई है। देखिए ये जो है ना, ये ट्रायंगल सर्जरी भी देता है लाइफ में। तो ऐसे ज्यादा का ये एज हो गया आपको 35 के अराउंड, आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑपरेशन वगैरह थर्ड सर्जरी को भी बताता है, हुआ होगा आपके लाइफ में। उसके बाद यहाँ पे भी देख पा रहे हैं बहुत बड़े फिश का साइन का निर्माण हो रहा है। तो ये सब आपको धन देगा और ये व्यापार से होने वाले धन के लाभ को, क्योंकि इसका मुंह आपके बुध माउंट की ओर है तो व्यापार से होने वाले धन के लाभ को बताता है। बुध माउंट पे देखिए इस तरह से आपको, देखिए इस प्रकार से वर्ग है तो ये भी लॉट्स ऑफ बिजनेस आइडियाज होते हैं और आपके एक तरह सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, पैसे की सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रहते हैं, आपकी तो सारी रेखा क्लियर है बट मस्तिष्क रेखा आपकी उतनी अच्छी क्लियर नहीं है। आप मेडिटेशन कीजिए और शिव जी का पूजा आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य आपका स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे साइन भी हैं। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स कोई रेखाएं रह गई तो आप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार।